हेलो एवरीवन, आज हम चश्मे के कवर के ऊपर लेदर वर्क करेंगे। कोई सा भी आप चश्मे का कवर ले लीजिए, उसके ऊपर हम सिंपल एक पेंसिल से हल्की हल्की सी एक मार्किंग कर लेंगे। मैं आपको फ्रंट साइड ही करके दिखा रही हूँ, आप इसको किसी हर साइड में कर सकते हैं। आपको शायद दिख रहा होगा कि मैंने एक बहुत हल्की सी मार्किंग करी है मेरे उस पर, और फिर अब मैं इसके लिए कलर्स लूंगी। एक्रेलिक कलर्स हैं मेरे पास, उनसे मैं इन पे कलर करूंगी। तो मैं एक थिक कोट इसके ऊपर कर दूंगी। जिससे कि हमारा नीचे का बिल्कुल भी विजिबल नहीं होगा। हम इसके सब तरफ ऐसा कलरिंग कर सकते हैं। अभी मैं आपको इसके टॉप पे एक ही साइड करके बता रही हूँ, क्योंकि अगर हम सब तरफ करेंगे तो मैं इसको नीचे रख नहीं पाऊंगी। मैं इसके अंदर, अब मैंने एक कलर कंप्लीट कर लिया है, अब मैं दूसरा कलर ले रही हूँ। उसके लिए मैं अपना ब्रश चेंज कर लूँगी। उसके लिए मैं एक दूसरा ड्राई ब्रश ले रही हूँ, जिससे कि मैं ये आपको कलर करके दिखा रहे हैं। हम एक थिक पेंट का कोट करेंगे, जिससे कि हमारा नीचे वाला जो कलर था वो बिल्कुल भी विजिबल नहीं रहेगा। ऐसे ही मैं एक यहाँ पे भी ब्लू का कलर कर रही हूँ। एक मैं इसमें यहाँ पे एक छोटा सा कर देती हूँ इसको इस तरह से। मैंने स्ट्रेट लाइंस इसमें ले ली हैं। ब्रश दूसरा ब्रश लेके अब मैं इसमें एक कलर और दे देती हूँ, जिससे कि हमारा ये मल्टी कलर्ड हो जाएगा। तीन कलर से मैं इसके ऊपर कलर कर रही हूँ। आप कोई से भी कलर्स अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अभी मैं इसी साइड में कर रही हूँ, जब ये ड्राई हो जाएगा तो मैं इसके बैक साइड में करूँगी। ओके, ये हमारा कलरिंग पार्ट ओवर हो गया है। अब हम नेक्स्ट करेंगे, जो आप देख रहे हैं मैंने ब्लैक कलर और डॉट पेंटिंग टूल लिया हुआ है, इससे अब हम इसका आगे इसको फिनिशिंग देंगे। मैं इसे डॉट पेंटिंग टूल से जो कलर के दोनों साइड्स हैं उन पे मैं ब्लैक डॉट्स लगा रही हूँ। इस तरह से मैं इसमें डॉट्स लगाती जाऊंगी। जो जो पार्ट हमारा ड्राई होता जाएगा उस पे हम ब्लैक डॉट्स लगाते जाएंगे। अगर आपको इससे कंफर्टेबल नहीं है, आप ब्रश से भी इसके ऊपर ये ब्लैक डॉट कर सकते हैं। हम बहुत बड़े डॉट्स नहीं लगाएंगे। ये ध्यान रखिए कि हमारे डॉट्स का साइज
सेम ही होना चाहिए। यहाँ पे भी हमारा कलर गीला है, हम उसको थोड़ा सा ड्राई होने देते हैं। तब तक हम जहाँ पे ड्राई हो गए हमारे कलर, हम वहाँ पे डॉट्स लगाते जाएंगे। यहाँ का ड्राई हो गया है, मैं यहाँ पे डॉट लगा देती हूँ। ये हमने डॉट्स लगा दिए हैं। अब हम इसमें नेक्स्ट इसको डेकोरेट करने का काम करेंगे। अब हम लेंगे 3D आउटलाइनर, इससे हम इसके ऊपर डॉट्स लगाएंगे। पहले हम इसको एक बार चला के देख लेते हैं कि हमारे प्रॉपर इसमें से वाइट जो लाइनर है वो बाहर आ रहा है कि नहीं। दिस वन इज वर्किंग फाइन। अब जो हमारे ब्लैक डॉट्स हैं, इन पे हम वाइट से 3D आउटलाइनर से इन ब्लैक डॉट्स को हम मैच कर देंगे। जो हमारा थोड़ा सा थिक बाहर आ गया है, इसको हम तुरंत से ही क्लीन अप कर देते हैं। जैसे कोई हम ऐसे उसमें लाइनर से लगेगा जैसे कोई हमने थ्रेड चलाया है। हम इसको ऐसा ही लुक देना चाहते हैं कि जैसे हमारा थ्रेड वर्क हुआ हुआ है, जो हमने दो दो डॉट्स ब्लैक के हम मैच इससे करते जाएंगे। Done with the project. ये देखिए जिस तरह से ये आप पॉट डिब्बे को भी डेकोरेट कर सकते हैं और इसी तरह से हम एक बॉटल के ऊपर भी कर सकते हैं। थैंक यू।